फॉर नॉलेज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तुम जो फोर लाइन वाली रूल नोटबुक यूज़ कर रहे हो उसकी जो सबसे टॉप की लाइन होती है उसे हम असेंडर लाइन बोलते हैं, सबसे बॉटम की लाइन को हम डिसेंडर लाइन बोलते हैं, और असेंडर लाइन के नीचे वाली लाइन को हम टॉप लाइन बोलते हैं, एंड डिसेंडर लाइन की जो ऊपर लाइन होती है उसे हम बॉटम लाइन बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में तुम सीखोगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ओवल, कर्व्स एंड स्लैंटेड लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहले तुम्हें स्ट्रेट लाइन बनानी है टॉप लाइन से बॉटम लाइन की तरफ, यानी कि स्मॉल स्ट्रेट लाइंस। फिर तुम्हें असेंडर लाइन से बॉटम लाइन की तरफ स्ट्रेट लाइंस बनानी है, एंड देन उसके बाद यही प्रोसेस को उल्टा करना है, इन्वर्सली इस प्रोसेस को तुम्हें रिपीट करना है। देन उसके बाद तुम्हें फॉरवर्ड सर्कल बनाना है। कहाँ पे बनाना है? टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन के बीच में वो फॉरवर्ड सर्कल बनना चाहिए। देन इसके बाद तुम जो सर्कल बनाओगे वो असेंडर्स और बॉटम लाइन तक होके आएगा, लेकिन ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। एंड जस्ट तुम्हें इसका उल्टा रिपीट करना है। तुम्हें टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन के बीच में अब स्मॉल सर्कल बनाने हैं, एंड इसके बाद असेंडर एंड बॉटम लाइन के बीच में तुम्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं स्लैंटेड लाइंस। ये स्लैंटेड लाइंस तुम्हें टॉप लाइन से बॉटम लाइन की तरफ ले आनी है, मींस अप टू डाउन ले आनी है, एंड तुम्हें इक्वल स्पेसिंग के साथ इन सारी लाइंस एंड कर्व्स को ड्रॉ करना है। देन इसके बाद असेंडर से बॉटम लाइन की तरफ तुम्हें इन स्लैंटेड लाइंस को लाना है। तुम्हें ध्यान रखना है ये लाइन ज़्यादा स्लैंटेड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज तुम्हें बाद में वर्ड्स को ज्वाइन करने में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। देन इसका तुम्हें जस्ट अपोजिट रिपीट करना है। बॉटम लाइन से तुम्हें मिडिल लाइन की तरफ जाना है, एंड इन द नेक्स्ट केस तुम्हें बॉटम लाइन से असेंडर लाइन की तरफ जाना है। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं अंडर कर्व। ये अंडर कर्व बॉटम लाइन से स्टार्ट होके टॉप लाइन तक जाएगा, एंड ये कर्व होगा ना कि एक स्लैंटेड लाइन होगी। तुम्हें ध्यान देना है यहाँ पे कि दिस हैज टू बी अ कर्व, नॉट अ स्लैंटेड लाइन। तो स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा कर्व लेना है और जाके लास्ट में उस कर्व को टॉप लाइन पे या असेंडर लाइन पर ख़त्म करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। एंड इसके बाद तुम्हें ओवर कर्व बनाना है। ओवर कर्व में तुम्हें जस्ट अंडर कर्व को उल्टा करना है। अंडर कर्व में तुम्हें इस ओवर कर्व में तुम्हें टॉप लाइन से बॉटम लाइन की तरफ लाना है लाइन को, एंड इन द नेक्स्ट केस तुम्हें असेंडर लाइन से बॉटम लाइन की तरफ ओवर कर्व को लाना है। तो ये थे कुछ बेसिक स्ट्रोक्स जिनकी मदद से तुम बेसिक कर्सिव राइटिंग आसानी से लिख सकते हो, एंड इनकी तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं की मदद से तुम कुछ अलग से पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो जिनका बाद में तुम यूज कर सकते हो। तुम इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, और हाँ, कर्सिव राइटिंग सीखनी हो तो राइटिंग मीनिंग को सब्सक्राइब करो। अंटिल देन टेक केयर। जय हिंद।